हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। वॉल्टर समरफोर्ड एक ऐसा आदमी जिसको दुनिया का सबसे अशुभ आदमी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या था वॉल्टर समरफोर्ड में जिसकी वजह से उसे इतना बदकिस्मत इंसान कहा जाता है? चलिए जानते हैं वॉल्टर समरफोर्ड के साथ घटित हुई सभी घटनाएं जिसकी वजह से उसे दुनिया में सबसे अशुभ व्यक्ति कहा जाता है। बदकिस्मत किसे कहते हैं? वो इंसान जिसके साथ हमेशा से ही कुछ ना कुछ गलत ही होता है। वो जहाँ जाता है वहाँ कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है, इसीलिए वो खुद को ही दोषी मानने लगता है। मेजर वॉल्टर समरफोर्ड, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, वो पहले विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए गए थे। उनके साथ कुछ ऐसी तीन अजीबोगरीब घटना हुई थी जिसकी वजह से वो सबके लिए अशुभ व्यक्ति बन गए। तो आइए जानते हैं वॉल्टर के लाइफ से जुड़े उन इंसिडेंट्स के बारे में। पहली घटना, साल 1918 में वॉल्टर समरफोर्ड के साथ पहली घटना हुई थी। एक बार बेल्जियम के मैदान में वो घुड़सवारी कर रहे थे, तब अचानक से उनके ऊपर आकाश से बिजली गिर गई। बिजली गिरने की वजह से उनके कमर के नीचे का शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। इतने बड़े हादसे के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक हो गए। उनकी ये हालत देखकर वो ठीक होने से पहले ही उन्हें सेना की ओर से मुक्त कर दिया गया था। वॉल्टर पहली घटना से बिल्कुल ठीक हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहते थे, इसीलिए वह कनाडा चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि हम कहाँ भी चले जाए लेकिन बदकिस्मती हमारा पीछा नहीं छोड़ती। वॉल्टर समरफोर्ड के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरी घटना, साल 1924 में वॉल्टर समरफोर्ड के साथ दूसरी घटना घटी थी। एक दिन वो तालाब में मछली पकड़ने के लिए आ गए थे। मछली पकड़ने के बाद तालाब के पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, तब अचानक से एक और बार उनके ऊपर बिजली गिर गई। लेकिन इस बार उनके शरीर का दायां भाग पैरालाइज्ड हो गया था, लेकिन इस हादसे से भी वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे। तीसरी घटना, साल 1930 में उनके साथ फिर से तीसरी घटना हुई थी। एक दिन गर्मी के मौसम में वो पार्क में वॉकिंग कर रहे थे, तब अचानक से मौसम खराब होने लगा। काले बादल छाने लगे और बिजली कड़कड़ाने लगी। अचानक से फिर एक बार बिजली उनके ऊपर गिर गई। इस वक्त उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। 2 साल से वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे थे, लेकिन शायद इतने हादसों के बाद उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। 1932 में आखिर उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया गया। पता नहीं कि आकाशीय बिजली और वॉल्टर समरफोर्ड का क्या कनेक्शन था, क्योंकि 1936 में एक बार फिर उनके कब्र के ऊपर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उनके कब्र का पत्थर टूट गया था। मरने के बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगर हम इन घटनाओं पर ध्यान दें तो यह समझ में आता है कि तीनों हादसों में 6 साल का ही अंतर कैसे हो सकता है, हर घटना में बिजली ही कैसे गिर सकती है। थोड़ी अजीब बात है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज भी कोई नहीं जान सका। हालांकि इस सब के पीछे की सच्चाई कुछ और ही हो सकती है, क्योंकि इन सब घटनाओं के बारे में और वॉल्टर समरफोर्ड के बारे में कुछ वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियोज़ को छोड़ के ज़्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वॉल्टर समरफोर्ड की कहानी सच्ची है या झूठ है इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते। ये रहस्य केवल मनोरंजन और सामान्य ज्ञान के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इसे उसी दृष्टिकोण से देखें। और अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।